इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर है रिएक्शन बैलेंस का, इसका पार्शियल इक्वेशन है, कहता टू कंप्लीट और बैलेंस द रिएक्शन आफ्टर कंप्लीटिंग द केमिकल रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम बाय पार्शियल इक्वेशन। पार्शियल इक्वेशन का मतलब होता है पार्ट वाइज, थोड़ा थोड़ा अपने कुछ आधा भी किए आधा भी किए दो पार्ट में बांट। तो देखना है क्वेश्चन आपके पास है कि फेरस सल्फेट, देखिए हमारे पास है फेरस सल्फेट Fe2SO4 और कहा इसका ऑक्सीडेशन होने के बाद इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 गौर से देखेंगे तो ये बनाता है Fe2SO4 प्लस H2। सही बात ये कैसे बनता है इसी के विषय में मुझे जानना था, तो सबसे पहले आप इसको नहीं करके हम ये देखेंगे कि इसको ऑक्सीडाइज करने वाला ऑक्सीजन आता है। फर्स्ट इक्वेशन है मेरा KNO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिडिफाई का मतलब ये होता है इसमें एसिड और ये आपको दे रहा है K2SO4 ऑक्सीजन का मतलब होता है जो रिएक्शन के क्रम में उसी समय बना और फिर खत्म हो जाता है कुछ सेकंड के लिए, इसको बोलते हैं न्यूबॉर्न ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन। अब मुझे बात करना है यहाँ पर KNO, देखिए K2SO K है, K2 है, इधर एक है तो दो कर दीजिए, MN2 हो गया, यहाँ पर भी आप 2 कर दीजिए और ध्यान देंगे SO4 यहाँ पर 1 है और यहाँ पर एक और यहाँ पर दो तीन हो गया। इस पूरे H2SO4 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप देखिए हाइड्रोजन 6 हो गया, डिटेल साइड इन प्रोडक्ट साइड यू हैव टू सी आल्सो नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन देन यू हैव टू पुट 3 हियर विदाउट यहाँ 6 है यहाँ 6 हो गया। अब आप बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन, आप देखिए 8 ऑक्सीजन और 12 20 हो गया, मतलब रिएक्टेंट साइड पर प्रोडक्ट साइड कितना है 8 और 8 16 सॉरी ये 8 नहीं है 4 प्लस 8 और प्लस 3 दैट इज 15 15 हो ही गया है और 20 करना है क्योंकि नाइसेंट ऑक्सीजन जो है इसके आगे इसको ब्रैकेट में कर दीजिए और 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ये इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। अब कहा यदि नाइसेंट ऑक्सीजन जो बना नेसेंट ऑक्सीजन जो इस रिएक्शन में बना इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं तब समझना चाहिए, ऐसे समझ आएंगे तो ठीक। चलिए ये आई से मल्टीप्लाई कर दिए और यह नेसेंट ऑक्सीजन ये जो है मेरा तेरा स्तर पे Fe SO4 और ये H2SO4 के प्रेजेंस में मतलब ऐसे लिख दिए ये ऑक्सीजन जो नेसेंट है इसको बना दिया है Fe2SO4 पोलराइज, इसको पढ़ते हैं फेरिक ऑक्साइड फेरिक सल्फेट ध्यान देना है यहाँ फेरस सल्फेट था और ये बन गया फेरिक, क्वेश्चन में आपको फेरस सल्फेट और ये ऑक्सीडाइज हुआ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंड H2O, ये दो चीज बना। अब आपको बैलेंस करना है, पहले तो यहाँ दो Fe है सबसे पहले टू कर दिए, सल्फेट 3 यहाँ पर भी 3 है, आप कुछ नहीं करना, करना क्या है ऑक्सीजन फर्स्ट रिएक्शन में नेसेंट ऑक्सीजन 5 है और इसमें 1 ही है तो इस ऑक्सीजन को नहीं पूरे रिएक्शन को जिसमें ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन है आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मेरे समझ से आप समझ गए होंगे हम इसी में हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 और यहाँ पर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दिए H2SO4 के पहले 5 देखिए ये 5 और नेसेंट ऑक्सीजन के पहले 5 और यहाँ पर भी 5 पूरे में करना है आपको 5 5 से मल्टीप्लाई करके हमें बैलेंस करना है नेसेंट ऑक्सीजन और यहाँ पर भी आप 5 कर दीजिए
आप क्या करेंगे, बोथ इक्वेशन को बैलेंस कर, दोनों इक्वेशन बैलेंस हो गया, अब हम दोनों को ऐड करेंगे आपका आफ्टर एडिंग ये 10 चलिए आफ्टर एडिंग वी गेट, हम क्या पाते हैं आफ्टर एडिंग बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या चाहिए, पहले जो कटेगा क्या नेक्स्ट एंड से यहां भी 5 यहां भी 5 आगे क्या करना है इसको तब समझ में आ जाएगा, ये 5 इसको कट कर दिए और ये 5 यहां कट कर दिए, अब आइए जो जो बच रहा है लिख दीजिए 2k-4 प्लस देखिए 3h2SO4 5h2SO4 8h2SO4 प्लस यू गेट 10 FeSO4 एरोसाइन, अब क्या बन रहा है K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस ये कर दीजिए 5 Fe2SO4 होल थ्राइस, अब क्या करना है आपके पास 3H2O है 5H2O 8H2O, देखिए यही हो गया पार्शियल इक्वेशन मेथड से बैलेंस किस इक्वेशन के लिए कर ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ हाँ के पोटेशियम पर मैग्नेट इन एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैग्नेट, दिस इज अ कंप्लीट बैलेंस केमिकल इक्वेशन और पार्शियल इक्वेशन होते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस सल्फेट विथ या बाय एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैग्नेट, थैंक यू सो मच।